हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स। कुछ रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने हैं विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोम्यूल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। यानी ये जो मोनोम्यूल दिए गए हैं, ये सारे मोनोम्यूल ही हैं एक एक टर्म के, इनमें एक लेंथ मानना है एक ब्रेथ मानना है रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट वाला जो होगा इसमें ये लेंथ होगा और जो सेकेंड वाला होगा वो ब्रेथ होगा, और एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला याद है आप लोगों को? सबसे आसान इसी का होता है, एल इंटू बी ना, यही तो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी इस पूरे एक्सरसाइज में 9.2 में आप यही चीज सीखेगी ही, मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे रेक्टेंगल आ गया तो स्क्वायर भी आ सकता था, स्क्वायर में भी एरिया यही होता है ए इंटू ए, साइड इंटू साइड ना, एक एल हो गया एक बी हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया पता चल जाएगा ना। तो चलिए एरिया डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्या आएगा एल इंटू बी, एल की जगह क्या लिखेंगे पहला वाला, बी की जगह दूसरा वाला, पी इंटू क्यू क्या होगा बेटा, पी इंटू क्यू ये चिपक के लिख उठेंगे बस, पी क्यू, पी इंटू क्यू यही हुआ पी क्यू। ठीक है, पास पास लिख उठेंगे, और इनके कोफिशियंट्स क्या है, यहां भी वन है यहां भी वन है, तो वन वन जब वन ही होता है तो वन तो लिखेंगे नहीं, यही आंसर हो जाएगा आपका। आइए दूसरा देख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना। ये अलग अलग इसमें दिया हुआ है आपके बुक में, ये अलग है। तो 10 × 5 = 50 एरिया निकाल रहे हैं ना, और एक एम है एक एन है, वेरिएबल अलग अलग है, बस उनको साथ में लिख दो एम एन है ना, एम एन टू एन एम एन, और 10 × 5 = 50 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरिएबल पास पास आ जाएंगे, यही आंसर है आपका। इसमें देखिए क्या होगा, 20x² × 5y² तो 25 × 100 एक्स स्क्वायर, पास पास लिख दो बस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आपका है एरिया। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मतलब देखो एक बार देख लो, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स दो बार ना, इंटू वाई स्क्वायर मीन्स वाई इंटू वाई, अब सब मिला के जब लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ये हुआ है। यहाँ पे देखिए एरिया क्या आएगा, 4x² × 3x². यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, 4 × 3 = 12, एक्स एक्स दोनों जगह सेम ही वेरिएबल है। तो हमने आपको बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि वेरिएबल का जब मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो ये तो एक्स एक ही बार लिखा जाएगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, इसकी पावर में क्या आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार x है ना, यहाँ भी एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार x, कितनी बार x हो गया 4 बार, तो 4 बार x का मल्टीप्लाई होगा तो पावर में 4 ही आएगा। ठीक, ये वाला देख लीजिए, 3mn × 4np, यहाँ भी आप एक नई चीज सीखेंगे, 4 × 3 = 12, ये तो आ गया, m एक ही बार है ना तो एक बार लिख दो। ठीक है, n यहां भी है और n यहां भी है, 2n हो गया, 2n का मतलब एन स्क्वायर, पी एक ही बार है तो पी एक बार लिख दो, और सब कुछ हटा के लिख देना है, ये आपका एरिया हो गया इसका। ठीक है, इतने ही पार्ट थे, ये था क्वेश्चन नंबर 2, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।